हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एक्टिविटी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि IBPS PO में जो प्रीलिम का पेपर आता है उसके इंग्लिश सेक्शन में कैसे इजीली 12+ लाएँ, मतलब उसका कट ऑफ कैसे क्लियर करें। गाइस, हम देखते हैं कि जो IBPS PO का प्रीलिम पेपर आता है उसमें रीजनिंग और FT सेक्शन जो होता है उसके कट ऑफ इजीली क्लियर किए जा सकते हैं, अधिकतर लोग क्लियर कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है इंग्लिश सेक्शन में, तो यहाँ पे हमें देखना है कि इंग्लिश सेक्शन को कैसे बेस्ट पार्ट बनाएं, कैसे उसका कट ऑफ क्लियर करें और इजीली 12+ लाएं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। IBPS PO का जो प्रीलिम का पेपर था 2015 का, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये मेनली फिल इन द ब्लैंक से है। यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। पहला क्वेश्चन है, द प्रपोजल हैज़ बीन ब्लैंक स्पेस देन एंड विल बी सेंड टू द कैबिनेट फॉर फाइनल अगेन ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे अगर आप ध्यान देकर देखें तो जो दूसरा सेंटेंस है इसका, विल बी सेंड टू द कैबिनेट फॉर डैश, क्या सेंड किया जा रहा है? प्रपोजल सेंड किया जा रहा है। और नीचे के आप ऑप्शंस देखिए, आपको एलिमिनेशन यहाँ पे करना है। आपको मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ऑप्शंस जो आपको सूटेबल नहीं लग रहे हैं उनको हटाना है। तो अगर हम यहाँ देखें कि प्रपोजल विल बी सेंड टू द कैबिनेट फॉर प्रोसेस, प्रोसेस के लिए नहीं भेजा जा सकता। दूसरे ऑप्शन में अगर आप देखें अप्रूवल, यस प्रपोजल अप्रूवल के लिए भेजा जा सकता है कैबिनेट में। थर्ड सैंक्शन, कुछ लोग मानते हैं सैंक्शन सैंक्शन के लिए भी भेजा जा सकता है जबकि ये पॉसिबल नहीं है। सैंक्शन होता है पैसा, अगर कोई चीज़ मनी बिल बन रहा है तो उसमें पैसे की ज़रूरत है तो पैसे सेंक्शन के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन प्रपोजल हमेशा अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखें तो ऑब्जेक्शन के लिए कोई प्रपोजल नहीं भेजेगा, कोई फिगर आउट करने के लिए नहीं भेजेगा। तो मेन ऑप्शन यहाँ पे बैठ रहा है अप्रूवल। देन उसके पहले का वर्ड है ड्राफ्टेड, अगर हम दूसरे ऑप्शन में देखें तो हम यहाँ पे फिट करके देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे आ रहा है ये, द प्रपोजल हैज़ बीन ड्राफ्टेड एंड विल बी सेंड टू द कैबिनेट फॉर फाइनल अप्रूवल। आप देखेंगे यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन एकदम फिट बैठ रहा है। ड्राफ्टेड का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन करना किसी चीज़ का, तो प्रपोजल का पहले डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है उसके बाद उसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ड्राफ्टेड कॉमा अप्रूवल, सेकेंड ऑप्शन। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, द फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बींग डैश अंडर द डैश ऑफ डेयरी। ऑप्शन देखते हैं, अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं ऑपरेटेड, तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बींग ऑपरेटेड अंडर द ऑपरेशन ऑफ डेयरी। ऑपरेशन वर्ड यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। हम दूसरा वर्ड देखते हैं, द फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बींग कैप्चर्ड, कैप्चर्ड नहीं हो सकता वर्ड यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बींग, मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ हो रहा है। कैप्चर्ड एक झटके में हो जाता है, वो लंबी प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, तो ये थर्ड सेकेंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं फंक्शन, यस इट मे बी अ ऑप्शन बट एलियास, एलियास इट डजेंट फिट ऑन द अंडर द एलियास ऑफ डेयरी। अगर चौथा ऑप्शन हम देखते हैं तो रन, द फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बींग रन, इट इज़ पॉसिबल, यहाँ पे रन होना पॉसिबल है अंडर द गार्ब। गार्ब का यहाँ पे मैं मीनिंग आपको बताना चाहूँगा। गार्ब का मीनिंग होता है किसी की शक्ल में, किसी का ड्रेस लिए हुए, किसी की सूरत में। और आगे सेंटेंस है गार्ब ऑफ अ डेयरी। तो हम अगर इसको देखें कि फेक डीजल फैक्ट्री चलाई जा रही थी वॉज बींग रन अंडर द गार्ब ऑफ अ डेयरी, मतलब डेयरी के सूरत में, डेयरी की शक्ल में, तो यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है। आगे अगर हम देखें फिफ्थ ऑप्शन को भी हम देखते हैं कि फेक डीजल फैक्ट्री वॉज बींग एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड मतलब किसी चीज़ को चालू कर देना, ये सेंटेंस यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा। आपको इसका भी ध्यान रखना है क्या चीज़ सही बैठ रहा है। आपको ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान रखने की, पढ़ने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑप्शन से ही एलिमिनेशन करना और सही ऑप्शन चूज करना। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा फोर्थ, रन एंड गार। आगे देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि द मोमेंट द स्टाफ ओपन द ऑफिस अनआइडेंटिफाइड डैश वीपन्स इंटर्ड, अनआइडेंटिफाइड डैश लिखा हुआ, डैश के अगर हम पहले पहला वर्ड देखते हैं, पहले ऑप्शन में मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है शरारती तत्व, द पर्सन दैट डू समथिंग रॉन्ग,
जो लोग गलत करते हैं। तो यहाँ पे ये सही बैठ रहा। देन अगला ऑप्शन ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर लोगों के लिए अगर आप देखें थर्ड ऑप्शन में पर्सन यूज हुआ है, तो ये आदमियों के लिए मेनली यूज हो रहा है। पर्सन भी हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि नॉर्मल पर्सन वीपन्स लेकर के अंदर नहीं आते। देन पीपल, इट कैन नॉट आइडेंटिफाई अ पीपल। मैन यहाँ पे सिंपल नहीं हो सकता। मिसक्रिएंट्स मतलब होता है शरारती तत्व, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही बैठता है। अगर हम देखें इसका अगला वर्ड जो ब्रैंडिशिंग है, जिसका मतलब होता है इधर उधर घुमाना, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको फिट करके, अगर द मोमेंट द स्टाफ ओपन द ऑफिस अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स मतलब शरारती तत्व ब्रैंडिशिंग वीपन्स इंटर्ड, ब्रैंडिशिंग मतलब इधर उधर हिलाना, वेपन्स को इधर उधर हिलाते हुए अंदर आए एंड आस्क द कैशियर टू हैंड ओवर द कीज टू वॉल्ट, ये यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो इसका आंसर होगा मिसक्रिएंट्स। यहाँ पे एलिमिनेशन मेन मैटर करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, द सिंगर हु हैज बीन वेरी डैश अबाउट हिज फेथ इन द पार्टी आल्सो डैश एट द ग्रांट इवेंट। कोई सिंगर है, अगर लास्ट सेंटेंस आप अगर इसका देखें, आल्सो डैश एट द ग्रांट इवेंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन अगर देखते हैं परफॉर्म्ड, यस सिंगर में भी परफॉर्म्ड, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही बैठता है। दूसरा सैंग, ये भी सही बैठता है, लेकिन अगर कोई ग्रैंड इवेंट हो रहा है तो सिंगर तो ऑलरेडी सैंग करता है, तो ग्रैंड इवेंट में वो मेनली परफॉर्म करेगा, डांस नहीं करेगा सिंगर, थर्ड ऑप्शन जो दिया है। केम नहीं होगा क्योंकि उसका मेन काम आना नहीं है, परफॉर्म करना है। देन फिफ्थ ऑप्शन प्रेजेंट, प्रेजेंट रहने से भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वोकल, वो भी सही बैठ रहा है, क्योंकि अगर आप वोकल के अलावा कोई भी सेंटेंस डाल दें, स्ट्रॉन्ग लाउड ओपन क्रिएटिव, तो वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है कि द सिंगर हु हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट हिज फेथ इन द पार्टी आल्सो परफॉर्म्ड एट द ग्रांड इवेंट। आपको एलिमिनेशन करना है और सही ऑप्शन वहाँ पर भरना है। आपको कितनी नॉलेज है इससे मैटर नहीं है, बस आपको सिंपल वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए और वहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है ये पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर है वोकल डैश परफॉर्म। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ओवर द ईयर्स कई सालों में द टाउन हैज डैश पॉपुलरिटी एज द बेस्ट, टाउन हैज डैश द पॉपुलरिटी। पॉपुलरिटी जो होता है, पॉपुलरिटी मतलब फेमस होना, तो टाउन जो होता है अगर आप ऑप्शन में देखें, एक्वायर्ड एक ऑप्शन हो सकता है कि उसने पॉपुलरिटी एक्वायर्ड की। देन क्लेम, पॉपुलरिटी कभी क्लेम नहीं की जाती। थर्ड ऑप्शन में देखें गेन, यस पॉपुलरिटी गेन की जाती है, गेन मतलब उसको प्राप्त करना। पॉपुलरिटी के लिए मेन वर्ड गेन यूज़ किया जाता है, तो अगर मैं कहूँ कि सही वर्ड क्या है यहाँ पे, तो गेन हो सकता है। पॉपुलरिटी ना ही शॉर्ट की जाती है ना ही सेंड की जाती है, जो कि अदर ऑप्शंस को दिया हुआ। देन अगर हम गेन लेकर चलते हैं, एज द बेस्ट फॉर द पैराग्लाइडिंग एंड पायलट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड विजिट इट। तो अगर कोई टाउन होता है तो मे बी दैट इज अ स्पॉट, बट मे बी दैट इज अ डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलरिटी मेनली गेन की जाती है, तो यहाँ पे बेस्ट वर्ड होगा डेस्टिनेशन दूसरा वर्ड। तो यहाँ पे आएगा ओवर द ईयर्स द टाउन हैज गेन्ड द पॉपुलरिटी एज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर पैराग्लाइडिंग। अगर किसी चीज़ के लिए किसी जगह को चूज़ किया जाता है तो वहाँ पे डेस्टिनेशन वर्ड यूज़ होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है गेन कॉमा डेस्टिनेशन। तो अगर आप देखें इसके फाइव क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए फिल इन द ब्लैंक्स के, आप अगर इसमें ट्राई करें तो तीन से चार क्वेश्चन इसके ईजिली करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट हैविंग डेप्थ लेवल नॉलेज। आपको डेप्थ लेवल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं कि ईजिली हम यहाँ पे 4 out of 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद आता है इसमें एक पैसेज, पैसेज काफ़ी लंबा चौड़ा होता है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, पैसेज से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 11 to 16 देन 17 to 20। हम वापस आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पर। आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, इतना बड़ा पैसेज आप पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और पढ़ने के बाद भी आप ब्लैंक ही रहेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, यहाँ पे आपको ट्रिक यूज़ करना है। अगर आप 11वां क्वेश्चन देखते हैं, उसमें दिया हुआ है कि चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड लैगिंग।
गिवेन इन बोल्ड एज यूज इन द पैसेज। लैगिंग नाम का जो एक वर्ड है वो बोल्ड लेटर से पैसेज में दिया हुआ, उसकी सेम मीनिंग हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं। ओके, अपने को पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम जाते हैं लैगिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लैगिंग जो ये वर्ड है यहाँ पे बोल्ड से किया गया है इंडिकेट, तो हम इसको देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं इसके जो वर्ड दिया हुआ, अपने करना ये है जो वर्ड दिया हुआ उसके एक पहले का सेंटेंस पकड़ना है और वहाँ से उसको पढ़ना है। तो हम अगर देखें तो इसका सेंटेंस आता है ये यहाँ से, वन पॉसिबल आंसर इज दैट बैड लोन्स आर अ लैगिंग इंडिकेटर, दैट इज इट इज़ ओनली आफ्टर द इकोनॉमी हैज स्ट्रगल्ड फॉर अ वाइल दैट बोरोवर्स बिगिन टू सफर। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि एक पॉसिबल आंसर ये है कि बैड लोन्स जो दिए जा रहे हैं वो एक लैगिंग इंडिकेटर है कि इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है उधार लेने वालों की। मतलब बैड लोन्स यहाँ पे मैटर कर रहा है, एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग एज ए वर्ड यूज़ किया गया है। अगर हम यहाँ पे अगर इसका आंसर देखें तो लैगिंग के यहाँ पे क्या फिट बैठ रहा है, एक डिलेड इंडिकेटर तो ये नहीं हो सकता, एक ब्रेकिंग इंडिकेटर ये भी नहीं हो सकता, प्रोटेक्टिंग इट कैन नॉट ऑल्सो बी, स्टॉपिंग इंडिकेटर भी नहीं है। टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है, बांधना, टाइम मतलब वहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बैड लोन्स हैं एक टाइम इंडिकेटर वहाँ पे दिखा रहे हैं, तो अप्रोप्रिएट वर्ड बैठ रहा है टाइम, इसका सही आंसर होगा टाइम। आगे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी दिया हुआ है एक वर्ड फ्री जो कि बोल्ड लेटर्स में पैसेज में शो कर रहा है और हमको उसका अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं फ्री वर्ड कहाँ पे है। इसको इसलिए फाइंड आउट किया जा सकता है इसलिए हम बोल्ड क्वेश्चन, बोल्ड वर्ड वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ फ्री, इसके पहले का सेंटेंस पकड़ते हैं, द एम इज़ टू फ्री मोर कैश फॉर बैंक्स टू लेंड। इस सेंटेंस से हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाहता है। इसके एक पहले का सेंटेंस पढ़ते हैं इसका मीनिंग गेट करने के लिए। तो पहले का सेंटेंस है, ओवर द पास्ट फ्यू डेज अलोन द चाइना सेंट्रल बैंक हैज़ पम्प्ड एक्स्ट्रा कैश इनटू फाइनेंशियल सिस्टम एंड कट इंटरेस्ट रेट्स। चाइना ने एक्स्ट्रा कैश ज़्यादा डाला है फाइनेंशियल सिस्टम में और इंटरेस्ट रेट भी घटाया है। द एम इज़ टू, इसका उद्देश्य है टू फ्री मोर कैश फॉर बैंक्स टू लेंड, ताकि वो बैंक्स को फ्री कर सके, मतलब मुफ्त में। फ्री मतलब यहाँ पे मेनली मुफ्त का नहीं है, फ्री मतलब किसी चीज़ को ईजी करना। मोर कैश फॉर बैंक्स टू लेंड एंड प्रोवाइड अ बूस्ट फॉर बैंक सीकिंग टू इम्प्रूव द रिटर्न ऑन देयर एसेट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका अर्थ समझ के कि क्या हो सकता है इसका अपोजिट वर्ड, फ्री मतलब ईजी कर देना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड हमको फाइंड आउट करना है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंगलर पूछ रहा है या अपोजिट। तो पहला एक्सपेंसिव, फ्री मतलब किसी चीज़ को ईजी करना, एक्सपेंसिव नाउ, ईजी का एक्सपेंसिव नहीं होता। देन सीक्रेट, नोप, कॉम्प्लीमेंट्री भी यहाँ पे नहीं आ सकता। रिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें, फ्री मतलब किसी चीज़ को ईजी किया था, और अगर उसका अपोजिट देखें रिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सही बैठ रहा है। चार्ज्ड यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फ्री का मतलब मुफ्त नहीं था, वहाँ पे फ्री का मतलब था चीज़ को ईजी करना। आपको मीनिंग पे ध्यान देना है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा फोर, रिस्ट्रिक्ट। देन आगे हम फाइंड आउट करते हैं अगला क्वेश्चन, हमें 13 नहीं करना है, 14 नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग है इनके लिए, पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा आपको, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, तो चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग द वर्ड पॉइंट्स इन द गिवन बोल्ड लेटर यूज्ड इन द पैसेज। पॉइंट्स नाम का वर्ड दिया हुआ है पैसेज में, आइए देखते हैं। तो अगर आप देखें तो ये लास्ट में दिया हुआ है पॉइंट्स, इसके एक पहले का सेंटेंस देखते हैं कि दीज आर हैवली कंसंट्रेटेड ऑन द बैलेंस शीट ऑफ स्मॉलर अनलिस्टेड बैंक्स एंड एट वेरी लीस्ट ऑल दीज पॉइंट्स टू अ नीड फॉर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ स्मॉल बैंक्स। मतलब क्या है, समथिंग इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है वो बता रहा है कि जो बैलेंस शीट्स हैं वो पॉइंट कर रहे हैं कि स्मॉल बैंक के रिकैपिटलाइजेशन की ज़रूरत है, पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेम मीनिंग देखें इसका, तो पीक नहीं कर रहे वो जो बैलेंस शीट है, वो मोमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं, वो आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर रहे हैं। बैलेंस शीट मतलब एज ए रिजल्ट आ रहा है, तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। इंडिकेट, यस, दिस वर्ड्स हिट्स, इंडिकेट मतलब इशारा करना होता है, पॉइंट्स मतलब भी इशारा करना होता है। तो इंडिकेट्स, प्लक मतलब
प्लग का यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग होता है, तो इंडिकेट्स यहाँ पे बेटर बैठ रहा है, इंडिकेट इज द आंसर। देखिए आपने तीन क्वेश्चन किया, तीनों बोल्ड लेटर्स वाले, और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, इसलिए मैं आपको टाइम लेकर के बता रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम पे बैठेंगे ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी, तो आप बिना टाइम लिए जल्दी जल्दी से इनको कर पाएंगे। आगे देखते हैं, 16 क्वेश्चन भी हमको नहीं करने हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। 17th क्वेश्चन भी नहीं करना। 18th पे आते हैं आप, बोल्ड लेटर्स वाले पे। तो अपने में दिया हुआ है कि माउंटिंग एक वर्ड यूज हुआ है, उसका अपोजिट मीनिंग यूज करना है। माउंटिंग अगर आप देखें, माउंटिंग होता है, माउंट मतलब होता है ऊंचा, माउंटिंग मतलब ऊंचा चढ़ना। तो यहाँ से भी मीनिंग फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन आप यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है एज ए पैसेज। पैसेज में क्या बता रहा है वहाँ पे माउंटिंग वर्ड, हम देखते हैं पैसेज में। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे आ रहा है माउंटिंग वर्ड, तो इसके पहले का सेंटेंस लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है बट देयर इज माउंटिंग एविडेंस दैट व्हेन इट कम्स टू स्मॉलर बैंक्स स्पेशली दोज एट टू लिस्ट ऑन द स्टॉक मार्केट बैड लोन्स पाइलिंग अप। मतलब जब हम, ये एक माउंटिंग एविडेंस है, अगर हमको इसका माउंटिंग का और अच्छे से मीनिंग समझना है तो इसका एक और पहले का सेंटेंस ले सकते हैं कि दिस डज नॉट लुक टू बी कॉज फॉर चाइनाज बिगेस्ट बैंक विच आर मैनेज कन्वर्सिवली एंड लार्जली फोकस्ड ऑन कंट्रीज बिगेस्ट वैल्यू एंड क्वालिटी बरोवर्स। माउंटिंग मतलब बढ़ते हुए एविडेंस होता है। ऊपर के सेंटेंस से भी समझ में आ रहा है कि ये बताना चाहता है कि बढ़ते हुए एविडेंस, तो इसमें बताना चाहता है कि जब स्मॉलर बैंक्स की तरफ हम लोग आते हैं जो कि अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए बाकी हैं, तो बैड लोन्स जो बताते हैं कि ये काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम देखें इसका 18 नंबर पे क्या हो सकता है अपोजिट मीनिंग। माउंटिंग मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, तो मेल्टिंग नो, पिघलना नहीं हो सकता इसका अपोजिट। एक्यूमुलेटिंग कैन नॉट बी, रिमूविंग, माउंटिंग मतलब वन बाय वन ऊपर चढ़ना, तो रिमूविंग मतलब हटाना नहीं हो सकता उसको। सबमर्जिंग मतलब आपस में जोड़ना भी नहीं हो सकता। डिक्रीजिंग, यस इट कैन बी डिक्रीजिंग। माउंटिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब जस्ट अपोजिट। हमें यहाँ पे अपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है, दैट इज़ डिक्रीजिंग। सो इसका आंसर डिक्रीजिंग है। आगे आपको ना ही 19 करना है ना ही 20 करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको कर सकें, और इसके लिए आपको पूरा पैसेज भी पढ़ना पड़ सकता है। तो आपको करना क्या है, पैसेज में केवल बोल्ड लेटर वाले वर्ड को ही सॉल्व करना है। आपको ईजिली 3 to 4 क्वेश्चंस, मे बी 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और इनको आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस पेपर का, तो हमें 4 क्वेश्चंस मिले हैं जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये सही होने ही हैं आपके, क्योंकि ये बहुत ईजी दिए जाते हैं ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर सकें। आगे देखें, अगर पहले हमने अर्लियर 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अभी का 4 मिला के टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं अभी तक, और ये आप काफ़ी जल्दी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। आगे देखते हैं क्लोज टेस्ट, ये लास्ट में अधिकतर आता है, मे बी पहले भी आ सकता है। इसमें क्या होता है, एक पैसेज दिया रहता है, उसमें ब्लैंक स्पेस दिए रहते हैं विद द नंबर, और आपको उस नंबर पर करेक्ट वर्ड फिल करना है आउट ऑफ 5। जैसे देखते हैं 26, तो पहला देखते हैं अपन 26 नंबर पैसेज में, देखते हैं प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट इन इंडिया हैज़ बीन आ सक्सेस स्टोरी। यस, इसका मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। फिर आगे लिख रहा है डैश ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज इनरोलमेंट इवन इन रिमोट एरियाज। तो प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट जो है इंडिया में एक सक्सेस स्टोरी है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, मेनली ड्यू टू, मतलब मेनली हम उसको बताना चाहते हैं। यहाँ पे वर्ड आपको यही देखना है, वर्ड कौन सा फिट बैठ रहा है, आपको डिप्टी नॉलेज की ज़रूरत नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें मोस्टली नहीं फिट बैठ रहा है, प्रॉपरली भी नहीं, टोटली भी नहीं, ऑप्शनली भी नहीं, मेनली की जगह यहाँ पे प्रॉपर वर्ड है लार्जली ड्यू टू वेरियस प्रोग्राम्स, तो लार्जली यहाँ पे सही आंसर होगा। देन आगे सेंटेंस पढ़ते हैं हम, विद इनरोलमेंट रीचिंग एट लीस्ट 96%, इनरोलमेंट 96% पहुँचा सिंस 2009 एंड गर्ल्स डैश अप 56 ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। मतलब क्या कर रही हैं गर्ल्स जो हैं 56 कर रही हैं ऑफ न्यू स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो गर्ल्स कमिंग अप में यूज नहीं होता, गर्ल्स जो हैं एक रिकॉर्ड बना रही 56%, तो वो कमिंग वर्ड यूज नहीं हो सकता। रीचिंग अप नहीं होता,
कभी, इसलिए हम लोग रीचिंग का यूज नहीं करेंगे। काउंटिंग अप भी नहीं होता, देन मेकिंग अप, यप अगर किसी चीज़ का रिकॉर्ड बना रहा होता है तो वहाँ पे सही वर्ड होता है मेकिंग, और यहाँ पे अप यूज हो रहा है इसलिए मेकिंग यहाँ पे खास कर यूज होगा। तो गर्ल्स मेकिंग अप 56% ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, तो मेकिंग अप इज द आंसर। देन बिटवीन 2007 एंड 2013 इट इज़ क्लियर दैट मैनी डैश ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग हैव बीन, एक्सेस मतलब प्राप्त करना, फाइंड आउट करना, मैनी डैश ऑफ एक्सेस टू स्कूलिंग क्या हो सकता है यहाँ पे, मैनी इशूज, स्कूल को एक्सेस करने के लिए कोई इशूज नहीं होते हैं। देन अपॉर्चुनिटीज, स्कूल को एक्सेस करने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। प्रॉब्लम्स, या अगर हम लोग यहाँ 28-29 को साथ में देखें तो मैनी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिंग टू स्कूल, देन हैव बीन, प्रॉब्लम्स यहाँ पे सही बैठ रहा है, हैव बीन एकस्टम्ड, जैसे आंसर नहीं हो सकता। एड्रेस्ड, यस एड्रेस्ड मतलब ध्यान देना। तो अगर हम देखें 28 का प्रॉब्लम और 29 का एड्रेस्ड, तो यहाँ पे आता है कि जो मैनी प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे ध्यान दिया गया है स्कूल को एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे सेंटेंस ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स और एड्रेस सही बैठेंगे। देन अगला पैसेज है इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन डैश बिहाइंड अचीविंग दिस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका इम्प्रूवमेंट जो था वो क्या है, वो वहाँ पे हैज़ बीन द मेन, मेन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि मेन के अलावा एक वर्ड जुड़ना चाहिए जो बताए कि क्या चीज़ है उसके पीछे। एफर्ट, यस देयर मे बी एफर्ट, मीन्स इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन द एफर्ट बिहाइंड अचीविंग दिस, इसके पीछे, इसको अचीव करने के पीछे ये एफर्ट था इम्प्रूवमेंट। फोर्स, नोप इम्प्रूवमेंट कोई फोर्स नहीं होता। देन अवेयरनेस, इम्प्रूवमेंट को अवेयरनेस भी नहीं कह सकते ना ही कंपल्सन कह सकते, तो यहाँ पे सही आंसर बैठता है एफर्ट। तो अगर आप देखें, अगर आप पांचों क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे हैं, तीन क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं, तो हम इसको काउंट करके लेके चलते हैं। तो अर्लियर इट वॉज 8, नाउ इट इज़ 3 एंड वी गेट 11। आगे देखते हैं, एक चीज़ यहाँ पे फिर आती है सेंटेंस एरर। सेंटेंस एरर में ये रहता है कि आपको एक सेंटेंस दिया रहता है, उसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है किस पार्ट में एरर है। पांच ऑप्शन रहते हैं, लास्ट वाला नो एरर रहता है। अगर आपको लगता है कि उसमें एरर नहीं है तो आप नो एरर पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये मेनली डिपेंड करता है, यहाँ पे पूछा जाता है ग्रामेटिकल एरर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट और समटाइम्स नो एरर। तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, पहली चीज़ ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, दूसरी चीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज होना चाहिए, प्रीपोजिशंस का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर हम लोग 6 नंबर देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है मैनी सिटीजन्स आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स द नेवर्सन सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, ये तो सही है। सिटीजन्स के साथ आर यूज होता है क्योंकि वहाँ प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, ओके। देन नेशंस सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, ये यहाँ पे भी सही है, बिकॉज इट ऑफर्स, आप यहाँ पे अगर ध्यान दें इट ऑफर्स मैंने कहा है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है इट ऑफर। अगर स्टेट की वर्ड यूज किया जा रहा है, स्टेट वर्ड, तो वहाँ पे इट यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वो सिंगुलर है। तो ऑफर जो है उसको भी सिंगुलर बनाना पड़ता है क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो इट ऑफर्स होगा वहाँ पे। इट ऑफर्स एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप पढ़ करके ही पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है अगर आप जानते हैं सही से कैसे इसको रीड करें। इट ऑफर्स होगा, तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन थर्ड आता है जहाँ पे रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर है थर्ड, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बिकॉज इट ऑफर। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेवन पे अगर देखें मोस्ट अफ्रीकन नेशंस, मोस्ट यूज हुआ इसलिए नेशंस यहाँ पे यूज होगा क्योंकि कई अफ्रीकन देशों की बात की जा रही है। वेयर नेशंस प्लूरल है, वेयर भी प्लूरल है। लार्जली शील्डेड फ्रॉम द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस बाय चाइनाज इंस्टेंटेबल डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज एक वर्ड है जो कि प्लूरल में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज राइट, अगर आप देखें तो
आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे सारी चीज़ें सही है अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे आएगा नो एरर पहले। देन एट्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्केप्टिक्स वरीज दैट डिवोल्यूशन ऑफ द कंट्रीज करेंसी इज डिस्परेट मूव टू बेल आउट स्ट्रगलिंग एक्सपोर्टर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्केप्टिक्स जो एक्चुअली में प्लूरल है, क्योंकि स्केप्टिक सिंगुलर होता है, एस जो है वो वहाँ पे उसको प्लूरल बना रहा है, और वरीज जो है वो सिंगुलर है क्योंकि एस या ई एस लगाने पे वर्ब सिंगुलर होता है, जबकि यहाँ पे वरी प्लूरल होना चाहिए, वर्ब जो है प्लूरल होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो स्केप्टिक्स के साथ वरी आएगा। और हमेशा आप ध्यान रखिए एरर जो होती है सेंटेंस में केवल एक ही जगह पे दी जाती है, अगर आप कहीं पे फाइंड आउट कर रहे हैं एरर तो ये याद रखिए आपको आगे कहीं एरर नहीं मिलेगा। तो ये सही इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाला, स्केप्टिक्स वरीज दैट द डिवोल्यूशन। आगे चलते हैं नाइन्थ नंबर पे, इसमें लिखा हुआ है कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बींग इनकरेज टू टेक एडवांटेज ऑफ द लोअर्ड इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बींग, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट हो रहा है, आर और कॉन्स्टेंटली के बाद बींग, आर के साथ कभी बींग यूज नहीं होता, बींग के बाद इनकरेज है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है मेनली, तो आर जो है यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पे ये हैज़ हैव या हैड होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस गलत है। तो यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम फर्स्ट लाइन में ही आ रही है, तो इसका आंसर होगा कंज्यूमर्स आर कॉन्स्टेंटली बींग, यहाँ पे एरर है। आगे फाइंड आउट करते हैं टेंथ नंबर, इमर्जिंग इकोनॉमीज आर डोमिनेटिंग द न्यूज़ बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स। यहाँ पे अगर हम देखें इमर्जिंग इकोनॉमीज, ये भी सही है, आर इकोनॉमीज प्लूरल है, आर वहाँ पे प्लूरल यूज किया है, डोमिनेटिंग द न्यूज़ बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स, ये ओवरऑल सही है पूरा सेंटेंस, तो इसका आंसर होगा नो एरर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके आप सिक्स से लेकर के टेंथ मीन्स फाइव क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, अगर आप फाइव के फाइव भी नहीं कर सकते हैं, थ्री टू फोर क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम थ्री भी मान लेते हैं तो आप काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। तो अगर अर्लियर इट वाज 11, अगर हम थ्री लेकर के चलते हैं तो 14 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हालांकि ग्रामेटिकल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, आप इस पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन आए और आप देख सकें इसको, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे देखते हैं हम कि एक पैरा जंबल्स होता है, अभी तक हमने देखा कितने 14 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, पैरा जंबल्ड जो होता है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसमें आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि पहला से लेकर के अंतिम ऑर्डर क्या है सेंटेंसेस का, लेकिन ये पैरा जंबल्स आपको 3 से 4 मिनट लेगा इसको सही ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, और इतने के बाद आप इजीली जो है इसके क्वेश्चंस आप यहाँ पे देखेंगे, इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आपने अगर इसका सही ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया तो आप इसके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हम पे मेन इशू ये है कि हम फाइंड आउट करें पहला सेंटेंस इसका क्या हो सकता है, तो एलिमिनेशन यहाँ पे मैटर करता है। अगर आप देखें पहला जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वेकिंग ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ डिवास्टिंग स्लम, इट मे बी फर्स्ट, ओके आगे अपन फाइंड आउट करते हैं, अ पॉसिबल आंसर कुड बी, बी वाला जो दिया हुआ अ पॉसिबल आंसर कुड बी, ये किसी चीज़ का आंसर बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसके पहले एक सेंटेंस कहा जा चुका है तो ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। देन एंड सी वाला जो ऑप्शन है वो एंड से शुरू हो रहा है, कोई चीज़ एंड से शुरू हो रही है मतलब वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। देन डी वाला हैव एवर, जबकि इसका मतलब ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये तीनों जो हैं फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते। देन चाइना इज एक्सपोर्टिंग
समथिंग न्यू टू द वर्ड इकोनॉमी, ये यहाँ पे भी ये हो सकता है, इट मे बी द फर्स्ट सेंटेंस। आगे देखते हैं हम, अपार्ट फ्रॉम द श्रिंकिंग कॉन्फिडेंस, इसका कहने का मतलब है कि श्रिंकिंग कॉन्फिडेंस के अलावा, मतलब इसके पहले एक सेंटेंस कहा जा चुका है, तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। फर्स्ट सेंटेंस में क्या आ रहा, ई और ए, तो अगर हम देखें कि चाइना एज ए हेडिंग यूज़ किया गया है, ए सेंटेंस में जो दिया हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वेकिंग ओवर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ डिवास्टिंग स्लंप इन द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, तो वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है चाइना, तो इसकी बात की जा रही है चाइना की, तो चाइना विल बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा ई, मतलब चाइना इज एक्सपोर्टिंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फियर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आना चाहिए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वेकिंग ओवर द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ डिवास्टिंग स्लंप इन द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि चाइना के बाद जस्ट इसकी बात की जा रही है, तो अगला सेंटेंस होगा ए। देन हम देखते हैं बी को, बी में क्या लिखा हुआ, अ पॉसिबल आंसर कुड बी, किसी चीज़ का आंसर बताया जा रहा है, इसके पहले का सेंटेंस फाइंड आउट करने का क्वेश्चन करते हैं, मतलब किसी को क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब उसका आंसर है। तो अगर आप देखें यहाँ सी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। डी, हाउ एवर सच अ डोमिनेट इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट एंड बट हार्डली कैटास्ट्रोफिक, सो वाई द हिस्टीरिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये बता रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं डी के बाद बी आएगा, तो हम यहाँ पे श्योर हैं कि पहले डी आएगा देन उसके बाद बी आएगा। और आगे अगर हम देखते हैं सी में क्या है, एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस दैट द कंट्रीज पॉलिसी मेकर सीमिंग टू श्योर फूटेड इन द पास्ट नो, मतलब वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। और बचा क्या सेंटेंस, हमने डी भी यूज़ कर लिया, हमने ई भी यूज़ कर लिया, बचा एफ में अगर देखें लिखा हुआ अपार्ट फ्रॉम श्रिंकिंग कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस लूज होने के अलावा, इसका कहने का मतलब ये है कि ये कॉन्फिडेंस वर्ड पहले भी यूज़ किया जा चुका है। कॉन्फिडेंस वर्ड कहाँ पे यूज हुआ है, ये सेंटेंस सी में, तो सी पहले आएगा उसके बाद आएगा एफ। ये पैरा जिम्बल्स इसी आधार पे आते हैं, एक दूसरे को लिंक करने के आधार पे, आपको बस ध्यान देना है कि कैसे लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी के बाद एफ आएगा, डी के बाद बी आएगा, लेकिन इनका करेक्ट ऑर्डर भी हमको फाइंड आउट करना है कि सी एफ पहले आएगा कि डी बी पहले आएगा। ई ए तो फाइनल है कि ये पहले आएगा, तो हम देखें ए के बाद अगर देखें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी में क्वेकिंग कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हमको देखना है, आगे अगर हम इसको लेके चलते हैं सी, एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मे बी लूज द कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे ये सी वर्ड सही बैठता है। अगर हम डी वर्ड यूज करते हैं, हाउ एवर सच अ डोमिनेंट इफेक्ट, तो यहाँ पे इफेक्ट की बात की गई है जो कि किसी चीज़ से आता है, मे बी सिंकिंग कॉन्फिडेंस, तो इफ़ेक्ट डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते ग्लोबल इन्वेस्टर के उसमें, तो यहाँ पे सही वर्ड होगा एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस। तो इसके बाद सी आएगा पहले, मतलब पहले सी एफ आएगा देन डी बी आएगा, तो करेक्ट ऑर्डर होगा इसके बाद सी एफ एंड देन डी एंड बी, तो ये अपने को मिल गया है सही ऑर्डर ई ए सी एफ डी बी। अब हम आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ सही ऑर्डर क्या है, ई ए ई ए सी एफ डी बी, जो हमको मिला था ई ए सी एफ डी बी, या दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, मे बी 5 मिनट्स लग सकते हैं, और आप 5 क्वेश्चंस का देन अगले 40 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। अब अपने को फाइंड आउट करना है कि सेकेंड सेंटेंस क्या है, तो आंसर इज ए, यप। इसके बाद फाइंड आउट करना है फर्स्ट सेंटेंस क्या है, रीअरेंजमेंट, फर्स्ट सेंटेंस इज ई, फिफ्थ इज सही आंसर, और सिक्स सेंटेंस लास्ट सेंटेंस क्या है, बी है लास्ट सेंटेंस,
इट इज़ द फॉलोइंग द फिफ्थ सेंटेंस. फिफ्थ सेंटेंस इज डी. दिस इज द राइट आंसर. फोर्थ सेंटेंस इज एफ. तो अगर आप देखें तो आपको बस 3 से 4 मिनट में ये सीक्वेंस बनाना है और आप 10 से 20 सेकेंड के अंदर ही इसके आंसर दे सकते हैं. और अर्लियर हमने किए, अगर आप इसके सही बनाते हैं तो आप 5 के 5 सही आंसर दे सकते हैं. फिर भी अगर आपकी कुछ चीज़ें गलत होती हैं, मान लीजिए आपका डी भी सही है, सी एफ भी ऑर्डर सही है, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे लगा रहे हैं, तो मे बी समथिंग रॉन्ग हो सकता है. लेकिन फिर भी आपके कुछ सीक्वेंसेस से ही 3 to 4 क्वेश्चन सही हो सकते हैं. तो अगर हम इसको काउंट करें तो अर्लियर इट वॉज 14, नाउ इट इज 3, तो टोटल आ रहे हैं 17. तो टोटल होता है आप 17 कर सकते हैं अराउंड 17 मिनट्स में. तो एक इसका बैक साइड लेकर भी चलते हैं कि मे बी 17 करने पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, कुछ सेंटेंस एरर में गलत हो गए, कुछ क्लोज टेस्ट में गलत हो गए, मे बी आपने ऑर्डर पेयर जंबल का सही फाइंड आउट नहीं किया, 3 to 4 क्वेश्चन गलत हो गए. अगर हम 4 क्वेश्चन मान के चलते हैं मीन्स 13 आपके सही होते हैं. 13 में 0.25 पर क्वेश्चन का कटता है, मतलब 2 नंबर आपके कटेंगे. तो 11 फिर भी आप पा सकते हैं. इसका मतलब क्या है, और अगर आपके इतने गलत नहीं होते हैं तो आप सही कर करके, या फिर आप पैरा जंबल्स को हटा दें, आपने 14 किए उसके बाद भी आप इजीली 12 प्लस आ रहे हैं. और इसका कट ऑफ जाता है जनरल का अराउंड 7.75. मीन्स अदर कैंडिडेट्स के लिए जो कि ओबीसी एससी एसटी में आते हैं उनको और भी कम पाने पड़ते हैं. अगर जनरल के हिसाब से हम अगर मान के चलें तो 7.75 से कहीं ज़्यादा है 11 एंड 12. और इसके लिए आपको सारे क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं. पैसेज को मैंने आपको बता दिया, इजीली आप कैसे उसके मेन क्वेश्चंस कर सकते हैं, बाकियों को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है. तो ये एक इजी ट्रिक है कि कैसे इंग्लिश को आप पहले तो कट ऑफ क्लियर करें, दूसरा अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि जो ओवरऑल कट ऑफ होता है उसको भी आप पार कर सकें. तो ये था वीडियो इंग्लिश सेक्शन को मजबूत करने के लिए IBPS PO prelim के लिए. फॉर मोर videos, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टेक एक्टिविटी. थैंक यू फॉर watching.